आपने कहा कि कृष्ण नाम का लेके आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आएगा। आपने ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी, मनुष्य का मिल जाए। जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप? स्वल्पम क्या है, स्वल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में पढ़ेंगे बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे, कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। शुचि नाम सुमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए थे। तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा, आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन ना करूँ तो? हाँ जी, अगर मैं भक्ति ना करूँ तो मुझे भक्ति ना करूँ तो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा फिर। अच्छा, देव नेत्र जंतुर देहो भवते। मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है। अभी 6 महीने पहले उनके फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनके डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा, हमने नहीं कहा। कल के मैं क्लास में गई थी, नहीं हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है, तो मर्सिडीज में जा रहा है वो भी उसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुबह चुपती है केवल आप। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा, ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवत दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुति महारानी कह रही हैं आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब यह है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कृष्ण, मतलब कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण के शरणों में रहो हमेशा। बस बस ये है पॉइंट। लेकिन कोई पॉइंट नहीं, आप समझे बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने, ताली बजाइए इनके लिए। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता। अगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं हो तो मेरे पास जरूरी कि मुझे कष्ट, मतलब कष्ट तो वैसे भी आना है जिंदगी में, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कष्ट तो जिंदगी में आना है, लेकिन यहाँ से कष्ट का निवारण आपको दिया जा रहा है हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा में लगे। एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहेंगे मतलब कि मैं कृष्ण के शरण में जाती हूँ तो अगले जन्म में मुझे इंसान क्या ही वो मिलेगा? इंसान का मिलेगा, और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाएंगे। ये तो मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ जी, मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी कौन लेता है? सामान्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी आप स्मरण करेंगे उस तरह का शरीर आपको मिलेगा, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आपके भक्त जानते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, 100%। तो मैं उन भक्त से मिलना चाहती हूँ एक बार। जरूर मिलिएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसे उनको पता चल रहा है कि मरने के बाद जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई IIT में IIT के बारे में जानना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, IIT में पहले एडमिशन तो ले लो, IIT में जो सिलेबस उसको तो फॉलो कर लो, वहाँ के प्रोसेस को तो फॉलो कर लो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लो। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्समेंट कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जबरदस्ती हम चाहिए। किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा पाइए, नहीं इच्छा मत आइए। यथा इच्छसि तथा कुरु भगवान गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, किसी ने सुना तो नहीं है ना? भगवान गीता में 18वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान। एक मिनट, ये सिर्फ आपने बुक प्रिंटेड पढ़ा है, किसी ने पर्सनली सुना है भगवान को? पर्सनली किसी ने भी नहीं सुना है। जिस तरह से 2+2=4 आपने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, हमने अपने गुरुदेव से सुना। तो गुरुदेव हमने प्रभुपाद से सुना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखा रहे हैं 2+2=4। कैसे सुनने कृष्ण भगवान से? अपने टीचर से अभी कभी आप हमने पूछा है स्कूल में अपने टीचर से, व्हाट इज द प्रूफ दैट 2+2=4? व्हाट इज द प्रूफ दिस इज ए दिस इज बी? टीचर ने कभी जवाब दिया ना आपने पूछा ना कभी वो जवाब देंगे। बट ये तो अंधा ज्ञान हुआ ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी अंधा ज्ञान है।
स्कूल की बात नहीं है, आपने कहा कि जो आपके गुरु ने बताया स्कूल की बात ही है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आप विश्वास कैसे कर लिए कि 2+2=4 होता है, आप कैसे मान लिए ABCDEFGHIJKLMNO है, आपने कैसे विश्वास कर लिया अल्फाबेट्स को, टीचर कहता मैंने अपने टीचर से सुना, वो टीचर कहता हुआ मैंने अपने टीचर से सुना, राइट ये है सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज को कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस। इसी तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से, एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान पाते हैं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बोनेफाइड हैं, कौन से स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं सीबीएसई के द्वारा। उसी तरह से वैश्य सिद्धांत को समझने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि प्रमाणिक स्रोत कहाँ कौन सा है जिससे हम भगवान कृष्ण के बारे में जान सकें। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़े, तो उन शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है। और बताइए बस ठीक है।